दोस्तों पुतिन को डर सता रहा है कि कहीं उनका देश अफगानिस्तान जैसा ना बन जाए। जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान के डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंका था, ठीक उसी प्रकार रूस का वैगनर आर्मी पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। भले ही कुछ दिनों के लिए वैगनर का मुखिया बेलारूस में शांत बैठा हो, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में खुरापात ही चल रही है। रूस में हुए ताजा विद्रोह के बाद कई देशों की कंपनियां अब रूस में निवेश करने से बच रही है। ऐसी हालत में भारतीय कंपनियां भी अब रूस में खुलकर व्यापार करना नहीं चाह रही। इस वजह से पुतिन बेहद घबराए हुए हैं और वे मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पुतिन का मानना है कि विद्रोह के बाद रूस निवेशकों के लिए उतना ही सेफ है जितना पहले हुआ करता था। वह बार बार भारत के मेक इन इंडिया पॉलिसी को कॉपी करने की बात दोहरा रहा है। वह हर हाल में भारतीय कंपनियों को रूस से बाहर जाने नहीं देना चाहता। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय कंपनियां रूस का साथ देती है या फिर रूस छोड़कर भाग जाती है। क्योंकि अगर किसी भी देश में राजनीतिक उठापटक चलता है तो ऐसे में वह देश निवेशकों के लिए सूटेबल नहीं रह जाता। वहीं कई लोगों का मानना है अगर यूक्रेन के समर्थन में अगर अमेरिका, नाटो, यूरोप के देश ना आते तो पुतिन काफी पहले ही यूक्रेन का गेम ओवर कर देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों ने यह भी देखा कि युद्ध के मामले में रूस पूरी तरह से तैयार नहीं था। आवेश में आकर पुतिन ने तो युद्ध की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे खींचता गया पुतिन चारों तरफ से घिर गए। अंत में उनके अपने ही उन्हें चाकू मार दिए और अब वे दर्द से कराह रहे हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों रूस एक बेहद शक्तिशाली देश है जिसके पास अनगिनत परमाणु बमों की संख्या है। आमतौर पर रूस को बाहरी देशों से कोई खतरा नहीं आता, लेकिन रूस में जब भी कोई बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण आंतरिक कलह ही रहा है। इस बार भी रूस के अंदर पुतिन के सबसे करीबी रसोइये के ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह करते हुए मॉस्को पर चढ़ाई कर दी। उसने ताबड़तोड़ पुतिन के कई एयरक्राफ्ट मार गिराने शुरू कर दिए थे। रसोइये ने पलक झपकते ही पुतिन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने पुतिन के कई अहम पायलटों को भी आसमान में उड़ा दिया था। इसके बाद यह साफ हो गया था कि रूस एक बार फिर से बुरी तरह से बिखरने वाला है, जैसे कि वह सोवियत यूनियन के विघटन के समय बुरी तरह से छत विशत हो गया था। यूक्रेन युद्ध छेड़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो पुतिन ने अपनी मौत छेड़ ली है। यह बात सच है कि पुतिन ने मात्र 24 घंटे में ही रसोइये के द्वारा किए गए विद्रोह को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज भी वैगनर ग्रुप के कई खूंखार सैनिक रूस में खुलेआम घूम रहे हैं जो पुतिन के खून के प्यासे बने हैं। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप में ज्यादातर सैनिक रसोइयों के साथ बेलारूस चले गए, लेकिन वहीं कुछ सैनिक ऐसे हैं जो रूसी सेना में शामिल हो गए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी सैनिक हैं जो रूस के अंदर जगह जगह आत्मघाती हमले कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूसी सैनिकों से ज्यादा वैगनर ग्रुप के सैनिकों ने दमखम दिखाया था। माना जा रहा है कि अगर रूस की सेना में वैगनर ग्रुप शामिल ना होता तो यूक्रेन पूरी तरह से रूस को धूल चटा सकता था। यहां तक कि खबर यह भी आ रही है कि वैगनर ग्रुप में शामिल होने के लिए नेपाल के जाबाज गोरखा बटालियन के सैनिक भी रवाना हो रहे हैं। इन सभी सैनिकों को वहां लगभग 30 गुना सैलरी मिलेगी जितना कि उन्होंने भारत में या नेपाल में दिया जाता है। पुतिन खुद रसोइया के कमाल से आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि रसोइया अपने दम पर यूक्रेन युद्ध में रूस को जीत दिला देगा। इसी वजह से रसोइये के विद्रोह करने के बावजूद पुतिन उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वह रसोइयों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे तो इसका परिणाम पुतिन के लिए बेहद भयावह साबित हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विद्रोह के समय पुतिन ने रसोइयों को कई बार फोन किया था, लेकिन रसोइयों ने ना तो खुद पुतिन को फोन उठाया और ना ही वह किसी बात को सुनने को तैयार था। वह मॉस्को से पुतिन की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहता था, क्योंकि पुतिन ने अचानक वैगनर ग्रुप के सैनिकों पर हमले का आदेश दे दिया था। इसी वजह से पूरा का पूरा वैगनर ग्रुप विद्रोह की आग में जल उठा था। बताया जा रहा है कि बेलारूस में रहकर वैगनर ग्रुप का मुखिया ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं बच पाएगा। बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको ने पहले ही कई मौकों पर वैगनर ग्रुप के सैनिकों को गिरफ्तार करके पुतिन के हवाले सौंप दिया है। अगर पुतिन ने तानाशाह लुकाशेंको को आदेश दिया कि रसोइया को मार दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है।
बता दें कि पिछले कुछ महीने से निवेशक रूस से बाहर निकल रहे हैं। रूस का भरोसेमंद साथी चीन भी अब रूस को ठेंगा दिखाते हुए वहां निवेश करना नहीं चाह रहा। भारत भी रूस में निवेश को लेकर बेहद सतर्क हो गया है, क्योंकि इस वक्त रूस में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इन हालातों के बीच रूस की सत्ता किसके पास चली जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से रसोइयों को लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर रसोईया नाटो या अमेरिकी सेना की तरफ में शामिल हो जाए तो यह पुतिन के लिए बेहद बड़ा सरदर्द बन सकता है। पुतिन के द्वारा लिए गए निर्णय ही आज उनके लिए काल बनकर मंडरा रहे हैं। अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो रूस का पावरफुल होना बेहद जरूरी है। अगर रूस पावरफुल बना रहेगा तो दुनिया में पावर का बैलेंस बना रहेगा। अगर रूस एक बार फिर से बिखर जाता है तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ दुनिया चीन के अत्याचारों से भी परेशान हो जाएगी। उधर दोस्तों, रूस में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सभी जानते हैं। रूस की खुफिया सुरक्षा से जुड़े कई अहम जानकारी अजीत डोभाल के पास हर समय रहती है। यहां तक कि जब पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उस वक्त भी रूस ने अजीत डोभाल को पल पल की खबरें बताई थी। रूस के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने अजीत साहब को फोन करके बताया था कि अब रूस में विद्रोह के हालात कंट्रोल में हैं और पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको बता दें कि अगले 2-3 रोज में ही पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़ी मीटिंग साझा करने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में चीन भी शामिल होगा। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाए हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन मेड इन चाइना का जिक्र नहीं किए उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ सालों बाद भारत चीन पर पूरी तरह से दबदबा बना लेगा। पुतिन जानते हैं आज भले ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना हुआ है, लेकिन पुतिन यह भी जानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बिजली की रफ्तार से मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इसी वजह से पुतिन चीन से ज्यादा भारत को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से लौटे हैं, उसके बाद से पुतिन और रूस के बड़े बड़े अधिकारी लगातार भारत की तारीफ में। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर ने भारत को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसकी तारीफ में अमेरिका, रूस और यूरोप सबके सब कुछ न कुछ मीठी बातें कर रहे हैं। हर कोई मोदी से हाथ और गले मिलना चाहता है। हर देश मोदी को अपने डिनर पर बुलाना चाह रहा है, लेकिन समय की कमी की वजह से मोदी सिर्फ पावरफुल देशों को ही खाना खा रहे हैं। इस वक्त रूस और अमेरिका में यह होड़ मची हुई है कि कौन भारत का नंबर वन दोस्त है। रूस भारत का पुराना साथी है, तो वहीं अमेरिका भारत को इम्प्रेस करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। मोदी के अमेरिका में भव्य स्वागत को देखकर कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि अब भारत रूस का वैसा साथी नहीं रहा जैसे पहला हुआ करता था। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।